हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं आईटीआई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इलेक्ट्रीशियन टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले ही मैंने 7-8 वीडियो बना दिए जो कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन टेट के लिए है। और UPPCL हो, चाहे BRC का हो, ISRO हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इलेक्ट्रीशियन टेट का क्वेश्चन आता है, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो आ रखा है, पहला क्वेश्चन है, इसमें आई का वैल्यू आपको फाइंड करना है, जो कि करेंट आई का वैल्यू मान ज्ञात करना है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर करेंट का डायरेक्शन भी एरो दिया गया है। तो आपको एक चीज़ बेसिक फार्मूला पता होगा कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू V/R होता है। तो चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपको ना एक सीरीज पैरेलल पहचानने आना चाहिए। ये जो दोनों हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है 400 ओम और 100 ओम, ये किस में लगा हुआ है? ये हमारे पास ना सीरीज में लगा हुआ है, ये हमारे पास सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास जो ये दो लगे हुए हैं 100 ओम और 200 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारे पास किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आपको एक छोटा सा चीज़ पता होगा कि जब भी सीरीज पैरेलल में लगा होता है तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, ये चीज़ आपको पता होगा कि जब भी सीरीज में लगा होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं, और पैरेलल में लगा होता है तो 1/R1+1/R2+1/R3 निकल करके जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उससे हम करके और उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 400 और 100 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 500 ओम, ठीक है। 500 ओम तो यहाँ आ गया, सीरीज वाले से आ गया 500 ओम, ठीक है। अब देख सकते हैं 400 और 100 ओम को हम ऐड करेंगे तो 500 ओम हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या है 200 ओम और 100 ओम पैरेलल में। तो चलिए हम इसका कैलकुलेशन कर दें। हमको क्या फाइंड करना है, हमको आई का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए देखिए हम एक सादा पेज ले रहे हैं। देखिए उसमें क्या है कि एक तो आपका रेजिस्टेंस आई इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, ठीक है, V/R होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो V का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर 6 वोल्ट दिया गया है, देख सकते हैं हम जो V का वैल्यू यहाँ पर 6 वोल्ट है, ठीक है। तो हम V के वैल्यू में क्या करेंगे, 6 वहाँ पर पुट कर लेंगे। तो देखिए चलिए हम यहाँ पर 6 वोल्ट आई इक्वल टू V/R है, तो V के ऊपर तो 6 कर लिए। अब देखिए R का वैल्यू हमको क्या कर लेना है, R का वैल्यू तो एक तो हमारे 500 वोल्ट आ गया, 500 ओम आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारे पास क्या आ गया, 500 ओम आ गया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 500 ओम आ गया, 400 और 100 500 ओम आ गया, और एक हमारे पास क्या है 1/100+1/200, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए हम करते हैं, फिर नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर देखें 1/ एक तो हमारे पास 500 आ गया, ठीक है, एक हमारे पास 500 ओम, और एक आ गया हमारे पास 1/100+1/200, ठीक है, इतना हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी दो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास, तो उसको हम और भी एक शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं। कैसे, देखिए जब भी दो रेजिस्टेंस, तो हम उसको क्या करते हैं, एक तो पहले 100 × 200 और 100+200 कर देते हैं। तो ऐसे जब भी आपके पास दो रेजिस्टेंस है तो आप ऐसे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पर कितना 0 आ जाएगा, 2 और 2 4 0 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 0 और वो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 300, ये 2 0 से 2 0 कट गया, मतलब कितना बचा 200/3 इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर 200/3 मतलब यहाँ पर कट कर आ गया, तो यहाँ कितना आ गया 200/3 आ गया, जो कि कैलकुलेशन करने का एकदम आसान तरीका। आप इसको ऐसे ना लिख कर आप ऐसे इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिए 200/3 इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 200/3 हमारे पास आ गया, जो पैरेलल में थे उसको हम 200/3 बना दिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर 200/3 आ गया, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ई 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 6 × 3/5। अब देखिए यहाँ पर पहले हमको ये करना होगा, इसका LCM लेके कैलकुलेशन करना होगा। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और इसका जो LCM हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो LCM हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका LCM 3 हो जाएगा, 3 इसका LCM होगा, ठीक है। यहाँ पर 1500 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस यहाँ पर 200 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1700/3 हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1700/3 हो जाएगा टोटल, ठीक है, 1500 × 200 1700/3 यहाँ पर हो गया। तब कितना हो जाएगा, 6 × 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर LCM लेने के बाद 1700/3 हो गया ना, तो 6 × 3 ऊपर चला गया, 1700 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब टोटल आप निकालेंगे, ठीक है, टोटल निकालेंगे हम, तो इसका कितना आ जाएगा, 6 × 3, ठीक है, और पट्टे 1700, तो टोटल कितना आ जाएगा, 18/1700 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
18/17 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया कैसे निकाला? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई इक्वल टू वी बाई आर पे निकालेंगे, वी का वैल्यू 6 है, आर का वैल्यू एक सीरीज में है तो 500 ओम हो गया, और दो पैरेलल में है 100 ओम और 200 ओम को, तो उसको हम कैलकुलेशन करने के बाद हम कितना आ गया 200/3 आ जाता है। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 1700/3 आ गया, और 1700/3 आ गया तो ये 3 ऊपर चला गया तो 18 बन गया, तो 18/1700 ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है जो इसमें 18/1700 है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी क्वेश्चन। चले हम एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट दिया गया है, तो आपको पता है आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, ठीक है, तो वी कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और आर का वैल्यू 500 हो गया, और यहाँ पर निकालना है तो 200/3 आया है, तो मतलब कितना है टोटल 1700/3 आया है, ठीक है, तो 1700/3 को 3 ऊपर ले जाएंगे और 1700 नीचे रखेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 18/1700 यहाँ पर टोटल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, कितना टोटल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 18/1700 हमारे पास टोटल देखिए 18/6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 और 1700 नीचे तो 18/1700 एम्पियर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास करेंट का वैल्यू पूछा है तो इसलिए एम्पियर में होगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आपको मैंने कितना ईजी तरीका से बताया, ठीक है, आपको इसमें कोई भी केवीएल केसीएल नहीं लगाना है, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें मशीन का न्यूमेरिकल बोला गया है, 4 पोल है, ठीक है, तो पी का वैल्यू 4 है, ठीक है, पी इजिकल टू 4 है, फिर उसके बाद अल्टरनेटर जो कि इसका 1500 RPM पर चल रहा है, तो एन एस इजिकल टू कितना हो गया, एन एस इजिकल टू 1500 हो गया, ठीक है। उसके बाद कर रहा है कि अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी हो गया, आवृत्ति मतलब आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो आपको फार्मूला एक पता होगा, क्या फार्मूला होता है आपको पता होगा, फार्मूला होता है एन एस इजिकल टू कितना होता है 120 f/p होता है, ठीक है, 120 f/p होता है, एन एस दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है हमारे पास, 120 है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है, पोल हमारे पास है 4 है, हम इस 4 को अगर इससे कटिंग करते हैं तो कितना 30 टर्म में कर जाता है, तो इक्वल टू कितना जाएगा 30 f आ जाएगा, ठीक है, तो 30 f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ठीक है, और f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500/30 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, f इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 1500/30, ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 Hz, इसका टोटल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 Hz। आप देख सकते हैं एन एस इजकल टू 120 f/p पे पोल का यहाँ पर 120 है, पोल का 4 दिया हुआ, इससे कटिंग कर देंगे 30 टर्म में कट जाएगा, 30 आ गया, यहाँ पर 30 को f से गुना किया तो 30 f आ गया, 30 f इजकल टू 1500, f इजकल टू 1500/3, ठीक है, और यहाँ पर 1500/3 है, यहाँ पर 50 Hz इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है 50 Hz जिसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल अच्छा इजी सा है, बट आपको ध्यान रखना है, फार्मूला याद रखना है आपको, सिर्फ पता है कौन सा फार्मूला रखना है याद आपको, एन एस इजकल टू 120 f/p करेक्ट इसका फार्मूला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है सिंक्रोनस स्पीड निकालने का। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, तो एक पता है RMS वैल्यू क्या बोलते हैं, हम इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, जो हमारे घर में यूज होता है वोल्टेज, जो हमारे घर में यूज होता है वैल्यू जो इलेक्ट्रिसिटी का, वो RMS वैल्यू होता है, ठीक है, तो RMS वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है डायरेक्ट आप याद रखिएगा 0.707, ठीक है, आई मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है RMS के अंदर, ठीक है। और हमारे पास एक क्या होता है आपको बता सकते हैं 1.11 क्या होता है हमारे पास, जिससे कि आपका फॉर्म फैक्टर नाम एक सुनो होगा, वो हमारे फॉर्म फैक्टर के टर्म होता है 1.1 होता है, इसी के कारण हमारे जो वोल्टेज का रेटिंग होता है 11 kV बोला जाता है, 22 kV बोला जाता है, 33 kV बोला जाता है, इसी के कारण फॉर्म फैक्टर के कारण ही बोला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। फिर ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन संचरण प्रणाली में कितनी दूरी पर उच्च वोल्टेज द्वारा HVDC प्रणाली की लागत उच्च वोल्टेज प्रणाली से कम होती है। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन कि जो HVDC सिस्टम है, HVDC का मतलब हाई वोल्टेज DC सिस्टम, वो HVAC के कंपेयर में कितने दूरी की लाइन में सस्ता है, मतलब HVDC कहाँ पे सस्ता है, मतलब हम HVDC का यूज़ कहाँ पे करते हैं ताकि हमको सस्ता पड़े। तो आपको पता है कि देखिए 50 कम डिस्टेंस में करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि HVDC को कन्वर्टर लगाना पड़ता है, कन्वर्टर स्टेशन लगाना पड़ता है HVDC को AC को AC में बदलने के लिए, तो यहाँ पर 50 किलोमीटर वाले से कम में तो बहुत घटा है, फिर 10 किलोमीटर से कम में भी बहुत घटा हो जाएगा, बहुत लॉस हो जाएगा उसमें, बहुत घटा है, बड़ा स्टेशन बनाना होगा कन्वर्टिंग करने के लिए। यहाँ पर 100 किलोमीटर से अधिक और 500 किलोमीटर से कम, तो देखिए
के ऑप्शन है। और यहाँ पर देखिए 600 किलोमीटर से अधिक, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा जितना दूरी होगा उतना अच्छा होता है HVDC के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे ऑप्शन नंबर ए इसका रिलक्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉसेस कम होते हैं, फ्रीक्वेंसी का नहीं होता है, यहाँ पर टेंशन एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। जब हमारे पास एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर हमारे कनेक्ट करना होता है तो वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा करने का मतलब हमारे बार बार इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कन्वर्टर इसमें ज़रूरत होता है HVDC को HVAC में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है, बहुत रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन द स्पीड वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्टेपेड वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो आपको पता है स्टेबलाइजर के अंदर क्या होता है, वोल्टेज को हम रेगुलेट करते हैं, एक तरह से रेगुलेटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटिंग द आउटपुट वोल्टेज, तो आपको पता होगा एक ट्रांसफार्मर का नाम पढ़ी होगा, उसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो एक तरह से ना रेगुलेटिंग का ही काम करता है, उसके आउटपुट पे जो हमारे सेकेंडरी साइड जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें वेरिएबल टाइप से हम ले सकते हैं उसमें, इसलिए उसको हम वेरिएबल ट्रांसफार्मर, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर हाई रेटिंग में यूज होता है, आपको पता है। करेंट ट्रांसफार्मर हमारे जो CTPT आपको पता ही होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर तो आपको पता ही। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उस अर्थतालक क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आपको पता है एक में इलेक्ट्रॉन होता है ज़्यादा, ठीक है, और एक में होल होता है ज़्यादा, ठीक है। एक में इलेक्ट्रॉन होता है, एक में होल होता है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, तो इलेक्ट्रॉन एन प्रकार अर्धचालक में ज़्यादा होता है। अगर होल की बात किया जाए तो होल होता है पी प्रकार चालक में ज़्यादा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन प्रकार अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ठीक। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एन प्रकार का जो होता है और पी प्रकार क्या होता है। देखिए एन प्रकार क्या होता है, वो एक्सेप्टर टाइप का होता है, ठीक है, और पी प्रकार क्या होता है, वो डोनर होता है। डोनर होने का मतलब क्या होगा कि ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और एन प्रकार क्या होगा, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। तो डोनर और एक्सेप्टर इसी को बोला जाता है, तो एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पूछा गया IGBT, अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें IGBT नाम का एक टर्म आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बायोपोलर ट्रांजिस्टर। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है और इसमें आप जरूर पढ़े होइएगा IGBT का फुल फॉर्म, बहुत से बच्चों को पता होता है, पेपर में बहुत सारा पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बायोपोलर ट्रांजिस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो आपको पता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको हम शॉर्ट में PT बोलते हैं, और एक हमारे पास होता है CT होता है जिसको कि हम करेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है, और एक PT है जिसको कि हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो आपको पता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज को उसमें 110 वोल्ट में दिखाना या फिर 220 वोल्ट में दिखाना, अपने रेटिंग के हिसाब से वो दिखाता है। बहुत ज़्यादा बोले 11,000 वोल्टेज हो चाहे 22,000 हो, उसको बहुत कम रेटिंग में दिखाना, ये क्या होता है PT का काम होता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ पावर सब सर्किट। पावर सब सर्किट आपको पता है हमारे घर के अंदर चाहे कहीं भी आप देखे होइएगा, पावर सर्किट होता है, एक लाइट फैन का सर्किट होता है। तो लोड इज नॉट मोर देन, तो लोड कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको पता है पावर सर्किट में जो लोड होता है वो 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डाटा बेस क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3000 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वही हम लाइट फैन सर्किट के बारे में बात करें जहाँ पर लाइट हो फैन लगा हो तो उसमें कितना होता है, तो उसमें होता है 800 वाट, आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा पावर सर्किट है उसमें कितना होता है, 3000 वाट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी विशेष अवधि या एक महीने में सबसे अधिक विद्युत मांग का उच्चतम स्तर क्या कहलाता है। तो आपको पता है उच्चतम स्तर मतलब क्या हुआ, MD हुआ, MD मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड ही कहलाता है हमारे पास। जो आपका मैक्सिमम डिमांड है वो आपका मंथ का डिमांड होता है, तो क्या है अधिकतम मांग, इसको हम इंग्लिश में मैक्सिमम डिमांड ही बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम MD बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन AC परिपथ में जो रिएक्टिव पावर से संबंधित है, ठीक है, इसको हम प्रतिघाती को क्या बोलते हैं, रिएक्टिव बोलते हैं, इंग्लिश में रिएक्टिव बोलते हैं, ठीक है, रिएक्टिव बोलते हैं। तो हमारे पास आपको पता होगा एक होता है हमारे पास एक्टिव पावर, ठीक है, एक्टिव पावर होता है, एक हमारे पास अपेरेंट होता है, ठीक है, अपेरेंट होता है, और एक हमारे पास रिएक्टिव होता है। तो हमारे पास जो रिएक्टिव पावर होता है उसके अंदर क्या आता है, साइन वाला टर्म आता है,
VI साइन फार्म, और जो हमारे पास एक्टिव है उसमें क्या आता है कॉस वाला टर्म आता है। ऑपरेंट पावर क्या होता है, ऑपरेंट पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर प्लस एक्टिव पावर दोनों को मिलाकर हम ऑपरेंट पावर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑपरेंट पावर क्या होता है, रिएक्टिव और एक्टिव दोनों को मिलाकर। तो VI कॉस फाइव क्या होगा, एक्टिव हो गया, और VI साइन फाइव क्या हो गया, रिएक्टिव पावर हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, VI साइन फाइव रिएक्टिव पावर हो जाता है। अब एक्टिव पूछा जाता है तो VI कॉस फाइव होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, VI साइन फाइव। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो आ रखा है वो है, ये देखिए, इन थ्री पिन सॉकेट, तीन पिन का सॉकेट आप देखो जाएगा जहाँ पर ऐसे कुछ रहता है, थ्री पिन सॉकेट होता है, ठीक है। थ्री पिन सॉकेट में क्या होता है, द लाइन टर्मिनल इज ऑलवेज, तो आपको ध्यान देना है कि जो लाइन टर्मिनल होता है ऑलवेज राइट साइड में होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। दाहिने वाले साइड में, यहाँ पर जो दाहिने साइड है मेरे लिए, तो वो क्या होता है, यहाँ पर लाइन टर्मिनल होता है यहाँ पर, ठीक है। जो बाएँ वाले हैं फिर न्यूट्रल का हो जाता है, और ये अर्थ के लिए होता है, जो दूसरे वाले होता है अर्थ के लिए होता है, मोटे वाले पिन, ठीक है। कई बार पूछा गया तो मोटे वाले पिन किस के लिए होता है, तो अर्थ के लिए होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे जो राइट टर्मिनल होता है हमारे पास, वो क्या होता है, हमारे पास राइट टर्मिनल होता है, हमारे पास थ्री पिन सॉकेट के लाइन टर्मिनल होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, मूविंग आयरन आपको पता है MI टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। MI टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसमें पूछा गया है किस प्रकार की आपूर्ति का उपयोग किया जाता है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या है, AC पर भी काम करता है और प्लस DC पर भी काम करता है, ये दोनों पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, AC और DC दोनों पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AC और DC दोनों पर। देखिए केवल AC पे कौन सा काम करता है, केवल AC पे करता है इंडक्शन टाइप, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। केवल DC पे कौन करता है, केवल DC पे करता है PMMC, आपको पता होगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसका नाम होता है PMMC, ये केवल DC पे करता है, और AC और DC पर MI टाइप इंस्ट्रूमेंट करता है। और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि AC और DC पे करता है, बट AC और DC पर यहाँ पर हम PMMC की बात, यहाँ पर पूछा गया है MI टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो MI टाइप क्या करता है, AC और DC पे काम करता है, ठीक है। और हम बता दें इसमें कुछ और हम इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें, ठीक है, इसमें और हम बता देते हैं आपको कि MI टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है ठीक है। ये लिनियरिटी को फॉलो नहीं करता है, परफेक्ट स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें होता है जो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें क्या होता है, ए मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, वाट मीटर होता है, क्या होता है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, या फिर तीनों होता है, ठीक है, ये चीज़ हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग वायर इज फॉर समरसेबल पंप मोटर। आप समरसेबल पंप मोटर देखिएगा जो कि धरती के अंदर होता है, जो कि हम पानी निकालने के लिए करते हैं, और उसमें बहुत नीचे ही मोटर लगाया जाता है, ठीक है। तो जो समरसेबल पंप मोटर होता है उसमें क्या करते हैं, जो PVC होता है ना, जो प्लास्टिक वाले होते हैं, उसके कवर वायर हम लगाते हैं, PVC यहाँ पर ऑप्शन में भी है, PVC कवर कॉपर वायर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पुराने टेक्नोलॉजी के हिसाब से कई बार बुक में लिखा रहता है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऑप्शन सही है, बट आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो कुछ और ही होता है वहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्शन है PVC कवर कॉपर वायर, तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे। PVC के अलावा और भी दूसरा मटेरियल लग जाता है कई बार, तो उसका मीटर नहीं करता, बट यहाँ पर ऑप्शन है PVC दिया गया है, ज़्यादा जो इफेक्टिव है PVC है, तो हम PVC को टिक करेंगे, ठीक है। समरसेबल मोटर आपको पता होगा क्या होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द नोट ऑफ वायरिंग सिस्टम, कौन सा वायरिंग प्रणाली नहीं है, ठीक है। तो वायरिंग का सिस्टम आप पढ़े हुएगा कि एक हमारे पास रिंग मेन सिस्टम होता है, जो कि रिंग की तरह होता है, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे जो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास ग्रिड सिस्टम होता है, रिंग मेन सिस्टम होता है, ट्री सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिस्टम घर की तरह देख लेते हैं, ट्री वाले भी होता है, बट ग्रिड वाले आप कहीं नहीं देखते, ठीक है, ग्रिड वाले नहीं कहीं देखते। ग्रिड का मतलब होता है बिजली का सप्लाई वाला ग्रिड, ठीक है, जो कि हमारे जनरेटिंग स्टेशन से लेकर जो हमारे स्टेप अप जहाँ पर सब स्टेशन होता है वहाँ आता है, उसी को हम ग्रिड स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रिड स्टेशन नहीं होता हमारे पास, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिंग मेन होता है, इंटर कनेक्टेड होता है, ठीक है, रेडियल सिस्टम होता है, ये सब सिस्टम होता है। फिर ट्री सिस्टम होता है, जो कि ट्री टाइप का बना होता है, कि अगर एक भी सिस्टम खराब हुआ तो वहाँ से सारा चीज सारा लाइन कट जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम होता है, जो कि आप घर के अंदर देखते होंगे, यहाँ पर ग्रिड सिस्टम का वायरिंग नहीं होता। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए आज के वीडियो में इतना ही है क्वेश्चन,
फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 25-30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है आज के वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, फिर हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। और चैनल पे बहुत सारा वीडियो हम ला चुके हैं, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर जाके एक बार विजिट करें, ठीक है। आप उसको चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर आप जाकर विजिट करें, ठीक है। और चैनल पर आप नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ये पॉइंट नाम से आपको चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लिया, ताकि मैं बहुत सारा वीडियो इस पर लाते रहता हूँ, ठीक है। और कोई आपको ऐसा पैसा तो लग नहीं रहा, बस सब्सक्राइब कर लेने हैं, और मन हो तो आप देख सकते हैं, अगर आपके यूज़ किए हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं बहुत ही इफेक्टिव वीडियो लाते रहता हूँ हर समय, तब ज़रूर एक बार जाकर इस चैनल पर विजिट करें। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ फिर भी, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।